किया है। इस संकल्प की सिद्धि में पूर्वी भारत का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। पूर्वी भारत विशेषकर वेस्ट बंगाल में रेलवे, हाईवे, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, एजुकेशन, हेल्थ केयर, एयरपोर्ट्स इत्यादि मूलभूत सुविधाओं के विकास के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने विशेष ध्यान दिया है। इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री जी ने वेस्ट बंगाल को वंदे भारत का उपहार दिया है। ये अत्याधुनिक ट्रेन हर मायने में विश्व स्तरीय है, वर्ल्ड क्लास है। इसकी डिजाइन भारत के इंजीनियर्स ने प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से की है। यात्रा इसमें आरामदायक है, बड़ी बड़ी खिड़कियां हैं, रिवॉल्विंग सीट्स हैं, न शोर न झटके। हावड़ा और न्यू जलपाईगुड़ी को जोड़ने वाली ये ट्रेन नॉर्थ बंगाल को राजधानी के साथ सुदृढ़ रूप से कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगी। इसके साथ ही साथ न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए आज माननीय प्रधानमंत्री जी 335 करोड़ रुपए की लागत से वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन का फाउंडेशन स्टोन ले करेंगे। कोलकाता निवासियों को माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से एक और सौगात है, जोका से तरतला कोलकाता मेट्रो का एक्सटेंशन। लंबे समय से चली आ रही है कोलकाता मेट्रो की परियोजना, इसमें गति आई 2014 से। 2014 के पहले मात्र 27 किलोमीटर मेट्रो बनी थी, अब 48 किलोमीटर मेट्रो बन चुकी है और तेजी से करीब 12 किलोमीटर और बहुत एडवांस स्टेज में है। पश्चिम बंगाल में रेलवे के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने 22-23 में 10,262 करोड़ का बजट एलोकेशन किया है। 10,262 करोड़ का 2009 से 14 तक एवरेज 4,380 करोड़ का बजट आवंटन होता था। उससे दो गुने से ज्यादा बजट आवंटन माननीय प्रधानमंत्री जी ने बंगाल के लिए किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने वेस्ट बंगाल के लिए यथेष्ट फंड्स की व्यवस्था की है और रेलवे की टीम प्रोजेक्ट्स के एग्जीक्यूशन के लिए प्रतिबद्ध है। स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से और सहयोग मिलेगा। पश्चिम बंगाल में एक आधुनिक रेलवे नेटवर्क का निर्माण होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी का मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। सभी के प्रयासों से ही सबका विकास संभव है। आइए इस पवित्र अवसर पर हम सभी संकल्प लेते हैं कि हम पश्चिम बंगाल को विकसित राज्य बनाने के लिए मिलकर प्रयास करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं आज के कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि आदरणीय मुख्यमंत्री महोदया सुश्री ममता बनर्जी से मैं सादर निवेदन करता हूं कि वो हम सभी को संबोधित करें। रेस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, टुडे इज ए सैड डे फॉर यू पर्सनली एंड इट्स अ ग्रेट लॉस and it's a great loss of your personal life. I pray to God, may God give you the strength and bless you so that you can love your mother with your action and your activity. Sir, I convey my gratitude to you because you are supposed to come to West Bengal today. But because of the sad demise of your mother, you could not reach, but heartily you have reached to us through your virtual program. Even I will request you make the program cut to short, and please take rest because just you are coming from the cremation. Sir, you will be happy to know today is my happiest day because my dream project when I was a railway minister, that Taratala Joka, I inaugurated this along with I invited Potibha Patil ji, the then president. And also I must thanks today the then Kolkata Corporation chairman, Shobhan Chattopadhyay, because she collected all the land for this Joka rail station, for Taratala rail station, and my urban minister Firhad Hakim.
And sir, other three projects also you are inaugurating today. I am very happy that Dankuni, Shaktigarh, or Chapdani, Boichi, or Ambani Phalakata. All are material modification program. Third line I started. It is in 2010 budget and 2010 and 11 budget. Everything was there, and today I lay the foundation stone. It is 2000, when Lotalji was the Prime Minister, 2099 or 2001, and some projects in 2009 and 10 and 11 also. Out of five projects, sir, four projects in my time. But now you are inaugurating, I am very happy. At least it is completed, and I kept money for the pink book so that this project should not be overlap or it should not be stopped. One new train you have given Vande Bharat today. It is very good. I thank you so much for this. And also the railway minister and DM, GM Eastern Railway, my honorable governor is also here. And the other ministers are also here and the public representatives. Today I should not forget the sacrificing of the Behala people. 10 years they suffered because the railway work was, construction work was going on. And that time, some shopkeepers, the hawkers, the passengers, how they suffered. And today, their dream, Amar Shopner program, ajke implemented hoche, ami Behala Bashi Shaho, Shara Poshchim Banglake Dhonnobad Janachi. And sir, you will be happy, when I was a railway minister, I submitted one white paper and also one 2010 vision. That vision document, railway minister must be knowing that 50 world-class station is being kept there. Along with that, Jalpaiguri is also was there. So I'm very happy that Bengal is getting this, and there are so many other 49 world-class stations. On behalf of West Bengal people, I thank you so much. You have taken trouble to come over here today. And thank you so much for giving me this opportunity. Thanks a lot. Please take some rest. And I do not know how to give my condolences, message to your family members and the others. Because mother is no substitute to any other. Your mother means our mother also. I remember my mother also. Sir, may God give you the strength to continue your work with this. This is a very sad day for you, but you are coming virtually. It is your great honor. And you pay respect through your activities to your mother. Thank you so much. Thanks to all my central officers, the state officers, my honorable governor, the RPF, GRPF, my DG Police, my Chief Secretary, my Home Secretary, my Howrah Commissioner, my DM, and all the people from all the officers level, all the ministers, all the MPs, all the MLAs, all the councillors, and all the public representatives, and the community people. Thank you so much.